तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अभी तक बहुत लोगों ने कल की मूवी भी देख ली होगी। तो आज कैमियो के बारे में बात करेंगे, क्या क्या वहाँ पर आपसे शायद छूट गया हो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंडिंग की बात करेंगे, क्लाइमेक्स की बात करेंगे और एक दो ऐसे पार्ट की भी बात करेंगे जो महाभारत का कनेक्शन साफ तौर पर दिखाया गया है। और एक आध चीज़ ऐसी भी दिखाई गई है जो भाई बीच बीच में से उठा के दिखाई गई है, कोई इतना प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। दैट्स वाई कि जो फर्स्ट हाफ था जहाँ पर स्टोरी बिल्डअप हो रही थी वहाँ पर लोगों को बोरियत फील हो रही थी, वहाँ पर लोगों को लग रहा था कि कहानियाँ बहुत स्लो चल रही है और बहुत सी चीज़ें ऐसे आ रही हैं और ज़बरदस्त आगे घुस जा रही हैं, कुछ कनेक्शन हो नहीं रहा है। देन उसके बाद जो सेकेंड पार्ट में वो जो स्टोरी बिल्डअप हुई थी वो थोड़ी सी अनबील हुई, दैट्स वाई कि वो थोड़ा सा कनेक्शन वहाँ देखने को मिल रहा है। तो यस, यहाँ पर उस स्टोरी प्लॉटिंग की भी बात करेंगे जो बीच बीच में से उठाकर रखी गई है, यानी बहुत से कैरेक्टर्स को ऐसे जबरदस्ती लाकर पटक दिया गया है बीच में। तो यहाँ खुल्लम खुल्ला बात होने वाली है विदाउट एनी फिल्टर। तो कोई महाशय है यहाँ पर जिसने मूवी नहीं देखी और चाहता है कि वही मामला मजा खराब ना हो, क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट दे देते हैं आपको भाई साहब, अगर आपने नहीं देखी और आप चाहते हैं कि मामला मजा खराब ना हो तो यू कैन गो और मूवी देख के और देन उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। फिलहाल अगर नहीं तो फिर नहीं रहिए। बाकी शुरुआत करते भाई साहब कैमियो से, शुरुआत करेंगे। जबरदस्त कैमियो देखने को मिले हैं, एसएस राजामौली का कैमियो हमें देखने को मिला है, वो वाला कैरेक्टर या लुक देखने को मिला जो हमें बाहुबली में देखने को मिला था एसएस राजामौली का। फिलहाल यहाँ पर मोटा मोटा यही अंदाजा लग रहा था कि वो एक पायरेट्स हैं या फिर एक सरदार वगैरह हैं जिससे भैरवा ने कुछ उधार ले रखा हो और वो उससे भागते फिर रहा है, दैट्स वाई कि वो उसके पीछे है। और इसका पार्ट सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता जो बीच में से ही उठा कर रख दिया गया है, तो इसका भी इंट्रोडक्शन आई थिंक सेकंड पार्ट में हो कि भाई साहब ये जो कहानी अलग चल रही है ये भैरवा और उसकी ये क्यों चल रही है, तो शायद वहाँ पर हो। देन उसके बाद भाई दुलकर सलमान का कैमियो देखने को मिला है और ज़बरदस्त कैरेक्टर, भाई कैप्टन के रूप में हमें ये बंदा देखने को मिला है और जब बीच में से ही उठा के रख दिया है, बस यही दिखाया गया है कि उसने पालन पोषण कैसे किया है, उसे बड़ा कैसे किया है, उसे वॉरियर कैसे बनाया है, जीने के तौर तरीके कैसे सिखाया है इस मॉडर्न जमाने में, इस डिस्टोपियन जमाने में, यानी भैरवा को। देन उसके बाद भाई एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ अपनी तरफ से, एक थ्योरी, एक प्रिडिक्शन जिसके बेस पे तुम मुझे गाली भी दे सकते हो कि भाई हु नोज कि नाग अश्विन जिस हिसाब से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहे हैं उस बेस पर अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि जो कैप्टन का रोल है यानी दुलकर सलमान का रोल है, हु नोज कि ये युधिष्ठिर से कनेक्ट हो जाए। एंड चौंकना मत, क्योंकि यहाँ पर अगर भैरवा का करैक्टर वो कर्ण से कनेक्शन सेट कर सकते हैं, जिसके कर्ण के बारे में हमें मालूम है कि महाभारत में कर्ण को कितनी बुरी तरीके से मारा गया था वो छल कपट के द्वारा, है ना, वो वॉरियर जिसे वो मृत्यु बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है जिस हिसाब से वो पूरे युद्ध में लड़ा था और जिस हिसाब से उसे ये देखा जा रहा था कि अकेला अगर कर्ण के साथ अगर उसके जो कवच कुंडल थे अगर वो नहीं छीने जाते और भी उसके साथ कूटनीतियाँ नहीं होती तो वो अकेला ही पांडवों की धज्जियाँ उड़ा के रख देता। जो अर्जुन बताया जाता है ना कि हाई फाई वॉरियर, भाई साहब उसको भी ओवरशैडो कर गया था, उसको भी बहुत देर तक को रोक के रखा था पूरे पांडवों पूरे महाभारत के युद्ध में, जिस वजह से जो बाकी के वॉरियर्स हैं वो पांडवों पर भारी पड़ने लग गए थे। दैट्स वाई कि वहाँ पर श्री कृष्ण ने कूटनीति ये खेली कि भाई साहब तो इसके रथ के पहिए पर मार, जिस वजह से उसका पहिया टूटेगा और वो नीचे आएगा, यानी पहिया धसा था या टूटा था मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई हो तो जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। और जब वो नीचे आता है निहत्ता होता है और पीछे से जाकर उसकी गला काट दिया जाता है या फिर उसे तीर मार दिया जाता है, वो चीज़। तो भाई ये चीज़ रेस्पेक्ट है नागस्विन के लिए कि महाभारत के साथ यानी हिस्ट्री के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, लेकिन हाँ फ्यूचर 6000 साल के बाद भाई कौन जानता क्या है, तो वो कनेक्शन बिल्कुल ज़बरदस्त बिठाया कि पुनर्जन्म की कहानी दिखाया है जहाँ अश्वत्थामा जाएगा वहाँ कर्ण भी आएगा, क्योंकि अश्वत्थामा कर्ण ये महाभारत में घनिष्ठ मित्र थे और ये घनिष्ठता यहाँ पर भी देखने को मेरी जो लास्ट एंडिंग सीन था क्लाइमैक्स का पार्ट, जो एक वो मोमेंट ही बता के चला गया कि भाई सेकंड पार्ट जब आएगा ना तो मामला बहुत खतरनाक होने वाला है, भैरवा फुल रौद्र रूप में आएगा और कर्ण की जो भी पावर थी, जो विजय धनुष उसके हाथ में आते ही वो एक मोमेंट के लिए वो फुल एग्रेसिव मोड के, भाई अगर ये सुप्रीम यास्किन के सामने चला गया जो मेन अपना कली के रूप में डिनोट करा जा रहा है, तो ये अकेला ही उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख देगा। फिलहाल बहुत सी थ्योरीज हैं लेकिन दुलकर सलमान का कैरेक्टर भाई इस बेस पे मैं सोच रहा हूँ कि यस, क्योंकि कर्ण और महाभारत यहाँ पर भाई साहब बहुत कुछ है, दैट्स वाई कि वो चीज़ जो कर्ण को वो बड़े का प्यार या फिर अपनों का प्यार वहाँ नहीं मिल पाया था वो शायद यहाँ पर नागार्जुन साहब दे जाए इस रूप में हो। बाकी दुलकर सलमान का कैरेक्टर भाई सेकेंड पार्ट में भी प्रॉमिस होगा।
मैन विजय के देवर गोंडा का करेक्टर भी देखने को मिला है एज कैमियो, वो भी अर्जुन के रूप में, गांडीवधारी अर्जुन के रूप में, जो भाई बहुत रौद्र था, रौद्र बिल्कुल। अश्वत्थामा को ओवरशैडो कर दिया, बीट डाउन कर दिया, देन उसके बाद कर्ण आता है और वो लड़ाई को बराबर करता है। तो हु नोज कि ये जो महाभारत का पार्ट सेकेंड पार्ट में भी चलेगा तो अर्जुन का करेक्टर वहां पर भी फॉलो होते नजर आएगा। मृणाल ठाकुर का करेक्टर देखने को मिला, यानी कैमियो देखने को मिला स्टार्टिंग में ही, जब वो बेबी को कैरी आउट करती है अपने गर्भ में, और प्रोजेक्ट के का इंट्रोडक्शन वहीं से हुआ था कि आखिर चल क्या रहा है भाई सब वहां पर, एक अलग डार्क साइड में, वो जो नई चकाचौंध की दुनिया है वहां डार्क साइड में आखिर चल क्या रहा है। प्रोजेक्ट के जो सुप्रीम यास्किन ने जो स्टैब्लिश कर रखा है, जिसे एक सीरम चाहिए जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए, लास्ट में जो दीपिका पादुकोण का से जो सीरम मिला था जिस वजह से वो और भी पावरफुल हो गया, वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, और आगे जाके भी जो, हाँ, सुप्रीम यास्किन का भी करेक्टर बीच में से ही उठा के दिया गया है कि ये जो पूरी दुनिया उसने बनाई है अलग से, और पूरी जो अर्थ थी उसे पूरा निचोड़ के रख दिया, जितने भी रिसोर्सेज थे, पानी, हवा, सब कुछ, जो स्वच्छ हवा है वो वहाँ पर हमें देखने को मिली पिरामिड में, वो समुद्र देखने को मिल रहे हैं, वो स्वच्छ पानी, वो हरियाली, सब कुछ वहाँ देखने को मिल रहा है, तो वो उसने क्यों बनाई है, उसका इंट्रोडक्शन वहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बीच से ही एक पार्ट उठा के दिखाया है कि आखिर ये इस निर्णय पर पहुंचा कैसे। यानी थैनोस का वो रूप देखने को मिल रहा है जो थैनोस कहता था कि मुझे बैलेंस करना है, और जो इंसान है वो तो शैतान है ही है, हैवान है ही है, तो उनके साथ तो जैसा होना चाहिए वो डिजर्विंग है, क्योंकि यस एवरीवन नोज कि भाई इंसान से बड़ा शैतान या हैवान पूरी दुनिया में और है ही कौन। और कली यानी अपना सुप्रीम यास्किन है जो इस चीज़ को बड़ी भली भांति तरीके से जान चुका है, जो 200 साल की उम्र उसकी हो चुकी है और बहुत से ऐसे मंजर भी देख लिए कि भाई साहब इन 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 इंसानों के लिए क्या छोड़ना, एक नई दुनिया बनाते हैं, एक नए फ्यूचर बनाते हैं जहाँ पर सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो। तो प्रोजेक्ट के और सुप्रीम यास्किन के बारे में एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उस पर अलग से बात करेंगे कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट के एक्चुअल चल क्या रहा है वहाँ पर, एक डार्क साइड पर चल क्या रहा है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। बाकी भाई ये कैमियो बहुत दमदार हुए हैं, एंड कर्ण के रूप में भाई प्रभास दमदार देखने को मिला है, भाई इसका पार्ट और भी चाहिए। और ये चीज़ बड़ी दमदार भी लगी नाग अश्विन की, जो रेस्पेक्ट या फिर जो चीज़ महाभारत में कर्ण को नहीं मिल पाई, वहाँ छेड़खानी नहीं करी, लेकिन वो चीज़ वो अपने हिसाब से 6000 साल के बाद पुनर्जन्म गाथा में जिस हिसाब का वो वॉरियर था, जिस हिसाब का वो सब चीज़ मिलना चाहिए था, वो सारा कुछ चकाचौंध यहाँ दिखाने वाला है जबरदस्त। तो ये चीज़ दमदार लग रही है भाई, बाकी वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई कि यहाँ पर स्टॉप करते हैं, एंड अगली वीडियो में प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन कितना एक्साइटेड है इसके लिए नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी महाभारत का और भी क्या कनेक्शन आपके हिसाब से हो सकता है, अगर आपने इस मूवी को देख लिया है और आपका दिमाग चल रहा है कि भाई यस महाभारत का और कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है, फिलहाल मेरा कनेक्शन जो कर्ण तो है ही है, जिसके बारे में हमने देख ही लिया है, और एक्सपेक्टेड है कि भाई जो आएगा दमदार ही आएगा, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है दुलकर सलमान का, कि शायद वो युधिष्ठिर का करेक्टर देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो सब वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।